देखिए, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इस नोएडा कमिश्नरेट के विभिन्न क्षेत्रों में कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप चुराने की, अन्य जो सामान कार में रखे हुए थे उसको चुराने की घटनाएं काफ़ी हो रही थी। और हम लोगों ने इस पूरी घटनाओं को रोकने के लिए और जो क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने कई टीमें बनाकर इसमें हम लोग काम कर रहे थे। विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने इस तरह की कुछ गैंग्स भी पकड़े हैं। बेसिकली जो हम लोगों ने घटनाओं से जो हम लोगों ने विश्लेषण किया था उसमें कुछ लोग ऑटो से आते थे घटना करने, कुछ लोग बाइक से आते थे, स्कूटी से आते थे। दो तीन गैंग्स हम लोगों ने ऑलरेडी बस्ट किए थे, उनसे कुछ रिकवरीज हुई थी। जो ऑटो से घटना करने वाला गैंग था इसको हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे। हम लोगों को घटनास्थलों से कुछ हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग मिला था, हम लोगों ने उसको डेवलप किया और ये जो एक ऑटो पे घटना हो रही थी उस गैंग को हम लोगों ने ट्रेस किया था। आज इस गैंग के इस एरिया में मूवमेंट की सूचना थी और ये सूचना थी कि ये लोग कहीं यहाँ से कुछ घटना करके और फिर कहीं बाहर निकलने वाले हैं। हमारी टीम आज लगी हुई थी, आज आप देख रहे हैं ये सुपर डेक के बगल में जो सर्विस रोड है यहाँ, इस जगह पे हमारी टीमें लगी हुई थी। हम लोगों ने रोका, रोकने के बाद इन लोगों ने, इसमें तीन व्यक्ति इस ऑटो में सवार थे और ये ऑटो बिना नंबर प्लेट की थी, संदिग्ध थी। रोकने का प्रयास जब किया गया तो इन लोगों ने हमारी टीम्स पर अटैक किया, इसमें तीन लोग थे। और उसके बाद हमारी टीम ने इसमें जवाबी कार्रवाई की जिसमें ये तीनों व्यक्ति जो ऑटो पे थे ये घेरा देख करके भागने का प्रयास कर रहे थे, उसमें घायल हुए हैं और इनको हमने तत्काल यहाँ से शिफ्ट किया है। पूछताछ में इन्होंने तीनों ने अपना नाम, एक ने अपना नाम दीपक बताया है, दूसरे ने अपना नाम जाकिर बताया है और तीसरे ने अपना नाम दिनेश बताया है। एनसीआर ने सैकड़ों वारदात किए हैं और एक जो ये दीपक है इसके ऊपर कम से कम मोर देन 75 मुकदमे हैं, और जो ये जाकिर है उसके उसके ऊपर भी दो दर्जन मुकदमे हैं, और जो दिनेश है उसके ऊपर मुकदमे हैं। ये लोग पहले भी कितनी बार जेल जा चुके हैं, पूरे एनसीआर में ये घटना करते थे। और ये जो ऑटो हम लोगों ने अभी तलाश की इसमें से 25 लैपटॉप कम आईपैड मिले हैं, 22 लैपटॉप मिले हैं और इसमें 5 वो थे आईपैड थे। इन लोगों के पास से असलहे तो बरामद हुई जो इससे ये फायर कर रहे थे, उसके अतिरिक्त इनके पास एक गुलेल मिला है, उसमें 25 लोहे की गोलियां मिली हैं, एक सुआ होता है जिससे टायर पंक्चर करते हैं वो मिला है। बेसिकली इन सभी चीज़ों का प्रयोग ये कार के शीशा को तोड़ने के लिए प्रयोग करते थे। इन लोगों से हम लोगों ने कुछ और भी जानकारी प्राप्त की है। इन लोगों का ये कहना है कि जो ये यहाँ से तोड़ते थे उसको ले जाकर कहीं डिस्पोज ऑफ करते थे। दो तीन कुछ लोगों का नाम हमारे पास आया है, हम लोग अभी अपनी टीम अभी लगा रहे हैं और संभवतः इसमें और भी हमारी रिकवरीज होगी। ये एक बहुत शातिर गैंग ऑटो से यहाँ पे इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था, हमारी टीम ने इसको बस्ट किया है और बाकी जो इन लोगों से हमें इनपुट मिले हैं उसको हम और एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी चीज़ें बाद में शेयर की जाएगी। थैंक यू।